हेलो बच्चों, आज मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कुछ डिस्कशन करते हैं। जितने सारे टॉपिक्स आपने पढ़ा, एक तो आरएलबीपी पढ़ा होगा पीछे प्रीवियस वीडियो में, फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, फिर रिलेवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अभी तीन टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल मैंने उठाया, दैट इज फॉर रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर का हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका यह है कि आप न्यूमेरिकल में जो गिवन है उसको सामने लिखिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो वाटर जैसा कि आप जानते हैं सिंगल कॉम्पोनेंट है, इसका मतलब डेफिनेटली ये सॉल्वेंट होगा। इसे P0A लिख के रिप्रेजेंट, क्योंकि A का मतलब मैं सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता हूं। 17.535 मिलीमीटर मर्करी दिया हुआ है इसका प्रेशर। ये आंसर करने का तरीका बता रहा हूं आपको। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 व्हेन 25 ग्राम, इसका मतलब हमें पीएस निकालना है। जब हम ग्लूकोज उस पानी में डाल देंगे उसके बाद का वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, वो फाइंड आउट करना है। अब यहां 25 ग्राम ग्लूकोज का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज वाटर मतलब ग्लूकोज हो गया, सॉल्यूट आपका 25 ग्राम। और जहां तक रहा सवाल 450 ग्राम हमारे पास यहां वाटर गिवन है, तो WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड 450 ग्राम। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू ζB, अगर Na प्लस NB होता है। इसका मतलब हमें मोल, नंबर ऑफ मोल, पहले तरीका क्या हो गया, तरीका है कि हम नंबर ऑफ मोल अलग अलग निकाल लेंगे, एक फॉर्मूले में डायरेक्ट आ जाए। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी करते हैं। पहले हम ζ निकाल लें, चलिए ऐसा भी करते हैं, इसको ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट हम पहले ζ निकाल लें। तो ζ के लिए पहले आप नंबर ऑफ मोल ऑफ बी मतलब डब्ल्यू बी बाई एम बी करेंगे। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C6H12O6 होता है, तो इसका मोलर मास क्या होगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। अब क्या होगा देखिए, 4 10 10 180 के राउंड आ जाएगा। वाटर की बात करें, मोलर मास ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, मोलर मास ऑफ आपने ग्लूकोज निकाला, तो वाटर का हम सब जानते हैं H2O इज इक्वल टू 18 होता है इसका। तो अगर हम NB निकालेंगे तो WB हमारे पास गिवन है, WB गिवन है 25 अपॉन 180, NA हमारे पास गिवन है कितना, गिवन NA हमारे पास, NA नहीं गिवन है सॉरी, WA अपॉन MA, फॉर्मूला पहले लिख लूं मैं। वेट कितना दिया हुआ 450 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे अगर सॉल्व करके आप ζB कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेशन था कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर डिवाइड करके 0.139 इसका 25। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वैल्यू NB आ गई, वैल्यू NA आ गई, हमने वैल्यू पुट किया 0.0055 आ गया आपके वैल्यू ζB। अब हमारे पास पी नॉट ए क्या गिवन है, 17.535 अपॉन पीएस नहीं गिवन, ए निकालना है 17.535 इज इक्वल टू, यहां ζB की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.0055, तो इससे आप पीएस निकाल सकते हैं, 17.535 माइनस पी एस इज इक्वल टू 17.535 इंटू 0.0055, तो पी एस इज इक्वल टू अगर आप उधर ले जाए प्लस करके तो यहां पे आएगा 17.535 माइनस 17.535 इंटू 0.0055 इज इक्वल टू पी एस आएगा, आ जाएगी 17.438 mmHg। आप प्रूफ देख भी सकते हैं कि वेव प्रेशर में कमी आई या नहीं आई। देखिए प्योर सॉल्वेंट का 535 था जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 7.438। इससे साबित हो रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। इस तरह से आप रिलेटिव लो वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल फॉर्मूला, सॉरी आई थिंक डैट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं।